2024 लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में तमाम पार्टियां जो है वो तैयारियां कर रही हैं। भाजपा ये दावा करती है कि राम मंदिर का मुद्दा हर मुद्दों पे हावी रहेगा, तमाम लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर शहजाद। डॉक्टर साहब, 2024 लोकसभा चुनाव करीब है, कल राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ है, रामलला विराजमान हुए हैं, सारे मुद्दों को ये ऊपर ये मुद्दा जो है हावी नज़र आ रहा है। नहीं नहीं, देखिए बहुत खुशी की बात है, वो एक अलग चीज़ है, चुनाव अलग चीज़ है। चुनावी मुद्दा आज देश का अलग है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, विकास मुद्दा है, तमाम क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे हैं जिससे जनता परेशान है। तो जनता इस पे, ये एक धार्मिक मामला है, सबको खुशी है, हर वर्ग को खुशी है मंदिर की, लेकिन चुनाव जो होने वाला है वो अलग मुद्दे पे होगा, विकास पे होगा। बेरोजगारी क्यों है देश में, महंगाई क्यों है देश में, देश की सरकार की जो तानाशाही है, जनता विरोधी नीतियां हैं, आम जनता देख रही है, बोल नहीं रही है। उस चुनाव में आपको गुस्सा दिखेगा, जो कहा जाता है कि करंट, अंडर करंट, इनके खिलाफ ऐसा चलेगा कि आप देखिएगा, कोई सोच नहीं सकता क्या रिजल्ट आने वाला है। चचा क्या नाम है जी? हमारा जमाल अहमद नाम है। राम मंदिर बन गया है, खुशी है जी? क्यों नहीं खुशी है, ये देश की बात है और देश के हित में हो रहा है जो कुछ हो रहा है। लेकिन हम जो है भारतीय जनता पार्टी के उसमें नहीं, हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस की सोच रखते हैं। क्यों नहीं, भाजपा से क्यों खुश नहीं है? वो तो सबका साथ सबका विकास का दावा सब है, लेकिन इसमें कुछ झूठ फरेब भी चल रहा है, वो उसके ऊपर तबसरा। जैसे क्या? कुछ नहीं बता सकते हम जो है अपने कांग्रेसी विचारधारा के, हम लोग स्वतंत्रता सेनानियों में से हैं, हम समझ रहे हैं कि इसके अंदर जो है खेल खेले जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ धोखा हुआ है, हम उसको आज भी बाबरी मस्जिद मानते हैं। उनकी बात उन तक है, हमारी बात हम तक है। वो जो अपनी बैंक वो करना चाहते हैं, हम कांग्रेसी विचारधारा के और कांग्रेसी रहेंगे। आप क्या मानते हैं वहाँ पे, अभी भी आप बाबरी मस्जिद को मानते हैं या राम मंदिर स्थापित हो गया उसकी खुशी है? इसके ऊपर कोई वो नहीं कर सकते, तबसरा कोई नहीं कर सकते, खुशी हमको भी है। नहीं, क्या नाम है आप जी? मेरा नाम नदीम है। नदीम जी, पूरा जो माहौल है राममय हो चुका है, राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, रामलला विराजमान हो चुके हैं, आप मुद्दे क्या नजर आ रहे हैं? क्योंकि राम मंदिर का बड़ा मुद्दा था, वो तो हल हो गया। देखिए, राम मंदिर कभी मुद्दा था ही नहीं, मुद्दा आस्था को कभी मुद्दा बनाया जा ही नहीं सकता। आस्था एक दिल से और एक मन से होती है, और अगर जो लोग इसको एक मुद्दा बना रहे हैं और इसको चुनाव को कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा है, तो ये उनके लिए बहुत ही शर्म की बात है। मंदिर आप केदारनाथ है, वैष्णो देवी है, बद्रीनाथ है, इस तरह से कितने बालाजी हैं, कितने सारे मंदिर हैं, ये सब हमारे देश का गर्व है, हम लोगों को इनका सम्मान करना चाहिए, इनको मुद्दा बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। मुद्दा गरीबी है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा शिक्षा है, मुद्दा स्वास्थ्य है, ये सब मुद्दे हैं। अगर इन मुद्दों पे बात करें तो बहुत लंबी बातचीत हो सकती है। जनता तो कह रही है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये तो एक मतलब ऐसी बात हो गई कि आप कहें कि सूरज को अंदर जो आग है वो हमने लगाई है, सूरज के अंदर जो गर्मी है वो हमने डाली, ये बचकानी बातें हैं, इनसे बचना चाहिए और इस पर बहस करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तर्क वाली बात ही नहीं है, ये एक ना समझ जैसी कोई होता नहीं बच्चा कि सूरज को हमने मोमबत्ती दिखा दी, तो ऐसी वाली भी बचकानी बात है। इसमें बहस करने वाली बातें आज देश में है, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और कारोबार है और नौकरियां हैं, ये सब कहाँ हैं? इस पर अगर बात करें तो बहुत लंबी बातचीत होगी, और बात मुद्दा मंदिर कभी हो ही नहीं सकती, ये आस्था है और हमेशा हम लोगों से सबसे ऊपर आस्था ही रहेगी। सर, हम जनता के बीच में गए, जनता से जाना कि जिनको निमंत्रण मिला लेकिन वो नहीं आ पाए, जो विपक्षी नेता थे, उन्होंने कहा जिसने राम को नकारा है जनता उसको नकारी है। ये तो सोच उनकी थी कि उनको मालूम है जो नहीं आए हैं, उनको मालूम है कि कुछ नियम विरुद्ध भी काम हो रहे हैं, इसलिए वो नहीं आए हैं, जिसमें जानबूझ करके। अब देखिए, इस देश के महामहिम प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति महोदया हैं, उन वो नहीं आई हैं, उपराष्ट्रपति महोदय नहीं आए हैं, चीफ जस्टिस जिसको बुलाया गया वो नहीं आए हैं, कई धर्माचार्य नहीं आए हैं, शंकराचार्य नहीं आए हैं, क्योंकि नियमों की अनदेखी करके कुछ काम किया गया, तो नियम जो सनातन धर्म के हैं, सबसे बड़े धर्म गुरु शंकराचार्य हैं, उनकी बात को भी नकारा गया, इसलिए उन लोगों ने नहीं आए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मनाथ सिंह, डीएन सिंह। डीएन सिंह साहब, टीका तो बहुत बड़ा लगा है, राम मंदिर निर्माण हो गया, खुशी है? बहुत बड़ी खुशी है, खुशी क्यों नहीं होगी?
ये तो हिंदू धर्म का है ना भैया, हम तो सभी धर्म से जुड़े हुए हैं। बल्कि इसमें राहुल गांधी को जो रोका गया वो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी आदमी का धर्म बराबर है, सबको अधिकार है, सबको अधिकार है भगवान से मिलना, जनता से मिलना, पब्लिक से मिलना, अपनी बात रखना। ये जो है न्याय उचित नहीं है, जो सरकारें रोक रही है वो बिल्कुल निकम्मी सरकार है। गांधी को निमंत्रण मिला था, मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण मिला था, क्यों नहीं गए जब आपका अधिकार? ये सब बहुत बड़ी समस्याएं किसी के साथ भी हो सकती है। अगर मान लीजिए मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता है कहीं जाने का, तो हम नहीं भी जा सकते हैं, तो हमारी इच्छा के ऊपर है। भगवान को आप मान लीजिए किसी धर्म को मानते हैं, कोई दूसरे धर्म को मानता है। समारोह था, इच्छा कैसी जाहिर करी? इच्छा ये क्या, देखिए वो तो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि उनके दिल में राम की भावना नहीं है। भावना है, लेकिन वो ऐसे समय पे नहीं जाएंगे, वो अपनी इच्छा से जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। हमारे साथ युवा भी है, राम मंदिर का भव्य निर्माण हो गया है, सारे मुद्दे खत्म, अब पूरा देश जो है वो राममय हो चुका है। गोदी मीडिया के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं, लेकिन देश का युवा होने के नाते आज भी वही महंगाई, आज भी बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य मुद्दा है। और भगवान राम आ गए हैं, सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे, सब कुछ स्थिर बात है। ये लोग कहते हैं कि भगवान राम को लाए हैं, ये लोग इतने शक्तिशाली है ना, तो देश के जो भगौड़े हैं विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, उनको भी विदेशों से लेके आए। ये लोग बहुत शक्तिशाली समझते हैं अपने आप को। ये झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, ये मोदी जी के लोग हैं, ये झूठे जुमलेबाज हैं। जनता कह रही है जिसने राम को नकारा है, जिसको निमंत्रण मिलने के बाद भी नहीं आया है प्राण प्रतिष्ठा में, जनता उसको नकारेगी। देखिए बहुत से लोग को निमंत्रण मिलने के बाद भी नहीं आए हैं, विराट कोहली कह लीजिए, एमएस धोनी कह लीजिए, और भी ऐसे नाम मैं गिना सकता हूं, लेकिन ये लोग सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोगों को टारगेट करेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी, अजय राय जी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या गए थे, बदसलूकी करी इन लोगों ने। हम लोग के समर्पित कार्यकर्ता नोखेलाल जी पर हमला निंदनीय है, आसाम में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला निंदनीय है, क्योंकि वहां का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री आसाम का हेमंत विश्वकर्मा, जिसकी राजनीति मोदी के दम पर चल रही है, वो कह रहा है कि मुकदमे लिखेंगे, राहुल जी को जेल में डालेंगे। अरे वो गांधी के रास्ते पर चल रहा है, राजीव जी का बेटा है। हम कह रहे हैं, भाजपा कह रही है कि कांग्रेस के राज में राम मंदिर निर्माण नहीं हो पाया, तो कांग्रेस ही तिलमिलाए हुए। हम लोग के लिए मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ के महंगाई की मुद्दा था, शिक्षा का मुद्दा था, यूनिवर्सिटी के निर्माण का मुद्दा था, एम्स के निर्माण का मुद्दा था। अगर हम लोग मंदिर मस्जिद करते ना, तो आपके हाथ में माइक ना होता, आप भी कहीं किसी मंदिर के बाद भीख मांग रहे होते। मैं आपको कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहे हैं अभी भी सतर्क होने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। भाजपा के राज में जिस तरीके से निर्माण हुआ है, विकास हुआ है, भाजपा दावे कर रही है हमसे बेहतर रामराज और हमसे बढ़िया। राजीव जी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने आज राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी कितना पैसा लगा मुझे बताएं, हम तो आरटीआई डालने को तैयार, बताएं कितना पैसा लगाया इन लोगों ने। ये लोग धर्म विरोधी लोग हैं, झूठे लोग हैं, धर्म विरोधी बता दिया आपने। निश्चित रूप से ये लोग चुनाव के समय पे भगवान को याद करते हैं, चुनाव के बाद ढकोसलेबाजी करते हैं, अडानी को याद करते हैं। चुनाव से पहले भगवान को, चुनाव के बाद अडानी को, ये इनकी सच्चाई है। जी सर। हाँ, आप ये जानना चाहते थे मंदिर के बारे में, मंदिर के बारे में भाजपा का क्या योगदान है? क्या भाजपा के समय में वो ताला खुला? क्या भाजपा के समय में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ? भाजपा की जब 6 साल की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो वहां पर बने हुए रेल पुल का उद्घाटन तक नहीं हुआ। 6 साल उनके जाने के बाद कांग्रेस की जब सरकार आई, तो वहां पुल का उद्घाटन हुआ। भाजपा जो अपना एक चुनावी मुद्दा बनाई है, 2024 के चुनाव के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है, ना बेरोजगारी इनके सामने है, यहां तक कि आपको मालूम है कि सैनिकों के संबंध में भी ये सरकार काफी अत्याचार कर रही है। हम लोग सेना से जुड़े हुए हैं, सेना में सैनिकों की भर्ती में अग्निपथ अग्निवीर योजना लागू की गई, सेना के मेडिकल सुविधाओं में कमी की गई, सेना की संख्या में कमी की गई, सेना के सुविधाओं में कमी की गई, और चीन ने जो हमारे अंदर अतिक्रमण किया है उसका कोई जवाब ये सरकार नहीं दे रही है। राम आ गए हैं, सारे मुद्दे, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। देखिए राम आ गए हैं, अगर राम आ गए हैं तो राम के आदर्श का पालन करें। राम जी ने सीता पर थोड़ा सा आरोप लगा था तो राम जी ने सीता का भी त्याग किया था। अगर यही हालत होती तो क्या हिंदुस्तान आजाद होता? एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता? जिस हालत से असम में जो सरकार कर रही है राहुल गांधी जी के साथ, या जो धर्म के साथ मंदिर में नहीं जाने दे रही है, ये कैसा राम भक्त हैं लोग जो मंदिर में जाने से रोक रहे हैं?
कह रहे हैं राम आ गए हैं, सारे मुद्दे सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जो भी मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं वो छोटे पड़ जाएंगे। सर राम आ गए हैं, राम आ गए हमारे सामने, हम भी देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी वो राम को लाने की बात कर रही है, पर राम लाया कौन? राम किसी के लाने की नहीं है, वो राम पहले से हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। राम लोगों के दिलों में बसते हैं, बीजेपी लाएगी तो राम नहीं आएंगे ऐसा नहीं है। वो तो सब वो प्रचारी वो अपना चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं। तिलमिलाहट है कांग्रेस की? नहीं सर, तिलमिलाहट नहीं है। कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है कि कैसे बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति फैला रही है, वो कैसे दुष्टीकरण कर रही है राजनीति में, कैसे वो लोगों को भड़का रहे हैं, युवाओं को भड़का रहे हैं, और जहां राहुल गांधी जी न्याय मांग रहे हैं, न्याय की यात्रा चला रहे हैं, कैसे उन्हें रोका जा रहा है, इस बात का सबूत है कि भाजपा डर चुकी है। भाजपा को अब एहसास हो रहा है कि अब मेरी नहीं चलेगी, अब भाजपाइयों की नहीं चलेगी, अब कांग्रेस आएगा, अब इंडियन अलायंस की सरकार बनेगी। वो न्याय मांगने के लिए निकलते, उन्हें न्याय कहाँ से दिया जाएगा, जब उन्हें न्याय, जब वो जा रहे हैं लोगों के बीच, उन्हें लोगों के बीच जाने ही नहीं देंगे, जब उन्हें परेशानियां नहीं जाने दे रहे हैं, तो न्याय कहाँ से मांगेंगे? वो न्याय उठाते हैं तो लोग उन्हें रोकते हैं, उन्हें रोका जाता है, मंदिर में जाने से रोका, मंदिर में उनकी आत्मश्रद्धा है, उनकी पर्सनल चीज है। जब निमंत्रण मिला तब मंदिर नहीं गया, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में ना मल्लिकार्जुन खड़गे गए, ना सोनिया गांधी गई। हम भाजपा के निमंत्रण पे क्यों जाएं? वो भाजपा निमंत्रण देगी क्या? राम मंदिर में जाने वाला विराजमान हो रहे थे, राम लल्ला विराजमान हुए हम मानते हैं, लेकिन भाजपा इसको मुद्दा क्यों बना रही है? उन्होंने हमें निमंत्रण दिया, उन्हें कांग्रेस को नहीं गए। मैं बता रहा हूँ कि शंकराचार्य क्यों नहीं गए, भाजपा के पास है हैसियत ये कहने के शंकराचार्य क्यों नहीं आए? उन पक्ष में है ना, हम तो कह रहे हैं कि शंकराचार्य है, उनकी बात अलग है, आप विपक्ष में है ना, आपको जाना चाहिए। कांग्रेस का स्टैंड सिंपल था कि जो धर्म का प्रधानमंत्री है उसने जाने से इनकार कर दिया, हम भी उसकी चीज का इनकार करते हैं। जब धर्म का प्रधानमंत्री नहीं जा रहा है तो ये धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले तय करेंगे कि कौन कहां जाएगा। न्याय यात्रा में बुला रहे थे, असम में रोक दिए, क्यों रोक दिए? ये दोगलापन नहीं है उनका, क्यों रोक दिए? धर्म आस्था के विषय है, आस्था अंदर है, उसका ढकोसला पीटे आपने नहीं देखा कि मध्यनगर नजर रोका गया? कौन सा सुरक्षा वहां पे 10 लोग थे, फोटो अंदर से आएंगे मंदिर। अच्छा आप मुझे बताइए कि मंदिर से सुरक्षित जगह भी कोई हो सकती है? मतलब मंदिर एक सबसे सुरक्षित और एक सबसे पाक जगह मानी जाती है, आप वहाँ किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं? वहाँ जहाँ आप जूता चप्पल बेल्ट सब, शर्मा ने तो पहले ही कह दिया था ना कि हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे आपको। अरे तो राहुल गांधी आने का और रास्ता भी बदल दिया। बिल्कुल, राहुल गांधी ने उनसे सुरक्षा मांगी भी नहीं थी। राहुल गांधी अपनी यात्रा कर रहे थे अपने नौजवान के साथ, अपने पार्टी के साथ, उन्होंने रास्ता रोकने का काम किया है। वहाँ के मुख्यमंत्री का आप इंटरव्यू देखेंगे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने साफ कहा कि गुवाहाटी के शहर से जाओगे तो मैं अरेस्ट करवा लूंगा। इसका मतलब ये डर है भाजपा को, ये भाजपा को डर है। जब उस राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है तब भी आप लोग जिद पे अड़े आ रहे हो। आप सुरक्षा तो छोड़िए, अटैक किसने कराया? बीजेपी ने करवाया ना पूरी तरीके से, बीजेपी के गुंडे जाके अपना कमल का झंडा ले जाके अटैक किए ना। अरे कम से कम तुम सुरक्षा कह सकते हैं कि कांग्रेस ने खुद करवाया है? अरे क्यों कांग्रेस ने खुद कराया? आपने देखा नहीं किसी हिसाब से जांच एजेंसियां किस लिए इनकी? जांच कर ले, सरकार का मुख्यमंत्री है ना ये हिमंत बिस्व शर्मा, शर्म करे ये आदमी, ये भाजपा का दल्ला है। किस एंगल से बता रहा है मुख्यमंत्री है ये? मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ कि जब घर में नया कुत्ता पाला जाता है तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो वफादारी निभाए, और जब तक पुराने मालिक पे भोंक नहीं देता वो नए मालिक का वफादार नहीं हो जाता है। यही हाल हेमंत बिस्व शर्मा का है, वो अभी नए नए है ना, तो उनको भोंकने की जरूरत है राहुल गांधी पे। अभी भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा में शामिल हो गए, अब उनको दिखाना है कि हम भाजपा के वफादार हैं, इसलिए वो ज्यादा चिल्ला रहे हैं, वो गिरफ्तार कराने की बात कर रहे हैं। जब एक राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम आपको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, इस रास्ते से होके ना जाइए, तो उधर जाने की क्या जरूरत है? ये बताइए कि जो है जब शेर जंगल में चलता है तो क्या सुरक्षा मांगता है? शेर है शेर नहीं, बब्बर शेर है। वो जो भाई भाई कह रहे हैं ना वो सही कह रहे हैं। शेर जब ये देखिए जंगल, ये जो राम राज्य का जंगल इन लोगों ने बना रखा है, और जो राम के नाम पे राजनीति सेक रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो वो ये जान ले कि जब जंगल में शेर चलता है तो उसको सुरक्षा की जरूरत नहीं होती है। वो चाहे जितने भेड़ियों के झुंड में आके कुछ भी कर ले, लेकिन शेर जो शेर था और शेर है और शेर रहेगा। अरे भाजपा तो कह रही है कांग्रेस ने खुद करवाया है सब। अरे भाजपा तो ये भी कह रही है कि जो है धर्म के आगे जो है हर सब धर्म मत्था टेके। देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, जो देख रहे हैं। मंदिर में जाने से क्यों रोका जा रहा? मंदिर में ये कौन से मंदिर में बुलाया गया तब तो गए नहीं, अब वहाँ मंदिर में जाके क्या करें?
वहाँ के मंदिर की बात, हम जहाँ रहेंगे वहाँ की पूजा करेंगे, हम घर में पूजा करते हैं। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं गए प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जब निमंत्रण मिला था? नहीं नहीं, प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण मिला, प्राण प्रतिष्ठा ये जो निमंत्रण दिखाता है क्या, ये बताइए पहले आप हमें, प्राण प्रतिष्ठा है क्या? चुनावी स्टंट के लिए विराजमान हुए? अरे विराजमान कहाँ विराजमान हुए, विराजमान तो अयोध्या में हुए, अयोध्या में विराजमान हुए हैं। जो लोग नहीं गए हैं उनके दिल में राम जी विराजमान पहले से हैं, उनको किसी जगह की जरूरत नहीं है, उनको किसी जगह की, राम को किसी जगह की जरूरत नहीं है। पहुँचे थे उनको क्या कहेंगे, जो पहुँचे थे? ये सब राजनीति है, नौटंकी है, ड्रामा है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए आरोप लगा रही है बहुत बड़ा। अरे आरोप लगा तो रहे हैं, बिल्कुल सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सब ड्रामा है, नौटंकी है, जिनको जिनके जो है दिल में राम, इतना बड़ा सवाल है आप उसको ड्रामा बता रहे हैं? जिनके दिल में होती है, दिल में होती है आस्था, दिलों में आस्था नहीं है। नहीं वो दिखावा कर रहे हैं, चुनाव के लिए सिर्फ 2024 से पहले ये नहीं किए कभी। राहुल गांधी भी दिखावा कर रहे थे शिव मंदिर जा रहे हैं? नहीं वहाँ वो रास्ते में है जहाँ पे जो मंदिर पर हट के है माथा टेकते हैं, रास्ते से हट है, जिस रास्ते में जाते हैं जहाँ मंदिर पड़ता है वही माथा टेकते हैं। ये सिर्फ अयोध्या में जाके दिखावा कर रहे हैं, हम लोग अपने घर से पूजा करके। राम मंदिर का निर्माण भी तो भाजपा के राज में हुआ ना, घर से पूजा करके के आदेश के बाद निर्माण किसने करवाया? राम जी पहली बार पैदा हुए है ना, वो भाजपा के राज में मोदी जी ने पैदा किया बिना औरत के। 100 साल बाद आए हैं राम जी अयोध्या में आजाद होने के। राम जी हम लोग ने आँख भी नहीं खोली थी जब पैदा हुए थे, वो तो खामा खा का ड्रामा करने के लिए चले आए। कलकल में राम है, पूछो कलकल में राम है, लोगों के दिलों में राम है। कांग्रेसी आज इकट्ठा हुए हैं, उनके अंदर नाराजगी है कि क्या, उनका आरोप भी है कि ये जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो सिर्फ दिखावा है और राजनीति का एक स्टंट है। और तमाम कांग्रेसी इकट्ठा हुए हैं राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे जो हमला हुआ है उसके तहत ये लोग आज इकट्ठा हुए और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, प्रदेश व्यापी ये प्रतिरोध यात्रा निकाल रहे हैं। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आके मिराज खान, लखनऊ।